तो हाय गाइस, स्वागत है तुम लोगों का एक न्यू वीडियो पे। और गाइस, मैं आज बताऊंगा गाइस तुम लोगों को कि जो पबजी मोबाइल के एयर वर्जन का 0.19.0 का अपडेट तुम कैसे करोगे, और गाइस इसका कितना एमबी का अपडेट आने वाला है, और इसका रिलीज डेट भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को देखना, वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और गाइस, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, तुम चार तरीके से तुम जो है पबजी मोबाइल के एयर वर्जन को अपडेट कर सकते हो। और गाइस, जो भी ट्रिक बताऊंगा तुम अगर फॉलो करोगे तो भाई तुम इजीली अपडेट कर लोगे। और जिसको डाउनलोड नहीं करना आता है तो वो भी जो है वीडियो को देख सकते हो जो मैं बताऊंगा, उससे तुम डाउनलोड और अपडेट दोनों कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले गाइस प्ले स्टोर। तो गाइस तुम लोगों को पता है प्ले स्टोर से भी तुम अपडेट एंड डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सोलो वीपीएन को डाउनलोड करना है। और गाइस इधर आके तुम लोगों को जो है साउथ कोरिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारा जो प्ले स्टोर है उसको जाना है, उस पर जाना है। और ये जो ऐप है, ऐप इंफॉर्मेशन में जाके जो प्ले स्टोर है इसका क्लियर डाटा मार देना है। ठीक है, क्लियर डाटा कर दो। एंड सिंपली जो है क्लियर डाटा करने के बाद तुम लोगों को फिर से जाना है भाई प्ले स्टोर में। ओके, तो मैं जो है क्लियर डाटा नहीं मार रहा हूँ अभी, तो मैं जाता हूँ सीधा भाई प्ले स्टोर पे। और भाई इधर आने के बाद तुम लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और गाइस, अगर तुम्हारे पास दो अकाउंट नहीं है, एक ही अकाउंट है, सबसे पहले तो तुमको जो है एक न्यू अकाउंट बना लेना है। और अगर तुम्हारे पास दो अकाउंट है, बस तुमको अकाउंट चेंज करना है जो वीपीएन लगा के, फिर तुम्हारा हो जाएगा। तो गाइस इधर आके एडिट अनदर अकाउंट में जाके तुम एक न्यू अकाउंट बना लेना जो वीपीएन कनेक्ट करके। उसके बाद तुम इस पर सर्च करना भाई पबजी मोबाइल की यार। तो मैं तुमको सर्च करके दिखा देता हूँ भाई। तो गाइस देखो, मैं पबजी मोबाइल केयर सर्च किया एंड गाइस देख सकते हो बूम, इधर पबजी मोबाइल केयर वर्जन है। और मेरा जो है अभी डाउनलोड है इसलिए ओपन दिखा रहा है। और जब मतलब 7 जून को अपडेट आएगा तो भाई इधर सीधा अपडेट दिखाएगा। और देख सकते हो न्यू मैप, जो लिविक मैप आने वाला है 7 जून को, तो मतलब प्ले स्टोर में आ चुका है। तो मतलब तुम इधर से अपडेट कर सकते हो। ओके, और गाइस नंबर टू जो एप्लीकेशन है इसका नाम है APK प्योर। और ये जो APK प्योर है गाइस, इससे भी तुम जो है पबजी मोबाइल के एयर वर्जन को अपडेट कर सकते हो गाइस, और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सिंपली जो है तुमको ओपन करना है। और गाइस ये जो APK प्योर है, ये तुम मतलब गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी ब्राउज़र से तुम डाउनलोड कर लेना। हो सके तो मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सीधा तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई ओपन करने के बाद सिंपली तुमको जो है पबजी मोबाइल केयर सर्च करना है। और जैसे सर्च करोगे देख सकते हो आ जाएगा तुम्हारे सामने, और दूसरे नंबर पे जो पबजी मोबाइल केयर है वो तुमको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हो मेरे इधर ओपन दिखा रहा है। तो जैसे 7 जून को अपडेट आएगा वो तुम इजीली अपडेट कर पाओगे। और भाई इधर से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर तुम न्यू हो तो इधर से आके सीधा डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका नाम है टैप। और गाइस ये मतलब सबसे मतलब आसान है, टैप से तुम इजीली जो है पबजी मोबाइल की यार, जो भी पबजी मोबाइल चाइनीज़ वर्सन, जो भी तुमको ऐप चाहिए इधर से, मतलब जो भी वर्सन चाहिए वो इजीली तुम अपडेट डाउनलोड अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस इसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। और फोर्थ जो एप्लीकेशन है इसका नाम है QOO ऐप। तो गाइस ये भी जो APK प्योर और टैप एप्लीकेशन के तरह एक APK है। और इधर से तुम जो है पबजी मोबाइल के एयर वर्जन को भाई डाउनलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, किसी भी पबजी कोई सा भी वर्जन तुम इधर से अपडेट डाउनलोड कर सकते हो। पबजी VN एंड ताइवान, जो भी वर्जन है तुम्हारे पास, तुम इधर से अपडेट एंड जो है डाउनलोड कर सकते हो इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गाइस इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं तो गाइस तुम जो है गूगल, कोई सा भी ब्राउज़र क्रोम से तुम इसको डाउनलोड कर लेना गाइस। तो गाइस पबजी मोबाइल का जो 0.19.0 का अपडेट आने वाला है, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल के एयर वर्जन दोनों का, इसका साइज होने वाला है गाइस कम से कम 1.5 GB के ऊपर है। ठीक है, 1.5 GB के ऊपर आने वाला है, क्योंकि गाइस तुम लोगों को पता है एक न्यू मैप आने वाला है, तो इसका नाम है लिविक मैप। और ये मतलब चारों मैप मिलकर एक मैप है। और भाई ये जो है खेलने में तुमको बढ़िया लगेगा, लेकिन भाई इसका जो साइज होने वाला है ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो भाई MB बचा के रखना, कम से कम भाई तुमको 2 दिन लगेगा भाई इसको अपडेट करने में। और मतलब और भी रिसोर्सेज पैक है, वो तुम अगर मिलाओगे तो भाई 2.5 GB के आसपास तुम्हारा अपडेट हो जाएगा भाई। मतलब भाई कुल मिला के अगर तुम देखोगे 2.5 GB के ऊपर अपडेट होंगे।
तो गाइज जैसे 7 जून को अपडेट आएगा मैं तुमको और एक वीडियो बना के दे दूँगा कि ये जो एप्लीकेशन जो मैं 4 एप्लीकेशन के बारे में बताया जिससे तुम पबजी मोबाइल की हर वर्जन को अपडेट कर सकते हो, इसका टाइमिंग मैं बता दूँगा। तो चारों का टाइमिंग अलग अलग होने वाला है गाइज, तो सभी में जो अपडेट आएगा 7 जून को सुबह में मैं तुमको एक वीडियो बना के दे दूँगा, उसे देखकर इजीली तुम अपडेट कर पाओगे। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ आपको दूसरा एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।